हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लोगों को मालूम ही होगा मैं बीच में बीमार हो गया था फ्रेंड्स तो अभी भी मेरे को उतना ठीक है फ्रेंड्स, तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ आया हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो नेपाल में रहकर हिंदी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस वक्त फ्रेंड्स चारों तरफ कोहरा है और मेरा दोस्त गाड़ी लेने गया हुआ है अभी, गाड़ी लेके वो आता ही होगा। तो जैसे ही गाड़ी लेके आएगा फिर हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और मैं आप लोगों को ये जो मेन है झंडवा चौक कहते हैं इसे, पिपरी चौक भी कहा जाता है, पिपरी थोड़ा आगे है, पिपरी इस साइड को है और झंडवा चौक ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका रेन शेल्टर ये जो गाड़ी के पास है, और इस साइड में हार्डवेयर पसल और हार्डवेयर दुकान है, और इस साइड में एक होटल है। जो रुपेड़िया बॉर्डर है फ्रेंड्स उसके 16 किलोमीटर के करीबन ये हमारा कुलपुर जो ये एरिया भी है, ये 15 से 16 किलोमीटर के बीच में है। जो रुपेड़िया से गाड़ी आती है तो इस साइड से आती है, तो 15 से 16 किलोमीटर है। और आपका जो यहाँ से झंडवा चौक से यदि आप सुरखे जाएंगे तो यहाँ से 100 किलोमीटर के लगभग रास्ता है। चुके हम लोग अभी इस टाइम पर न्यू रोड से आगे जाएंगे, तो न्यू रोड से आगे क्या आता है चौरा, ये जो गोल चौरा है फ्रेंड्स जहाँ से रोड ये डिवाइडेड होती है चारों तरफ, ये जो आगे है ये चौरा है फ्रेंड्स। यदि आप इस साइड पर जाएंगे तो पश्चिम की ओर जाएगा, यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग अभी सुरखेत जाने के लिए। हम लोग टर्न नहीं लेंगे, सीधा जाएंगे, बस सीधा चलेंगे। देख सकते हैं आप लोग पब्लिक ट्रैवल फ्रेंड्स यहीं पे मिलेंगी यदि आप लोग जाना चाहते हैं सुरखेत फूलपुर से। और ये हम सुरखेत की ओर चल चुके हैं फ्रेंड्स, और ये आप नगर पालिका क्या का फूलपुर का। आप फ्रेंड्स पब्लिक ट्रैवल में आते हैं तो फ्रेंड्स मैंने जहाँ पे दिखाया था वहाँ से आप लोग गाड़ी ले सकते हैं पब्लिक ट्रैवल भी। और यदि आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी लेके आए तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी दूंगा यदि आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं। यदि आप अपनी गाड़ी में नहीं आते पब्लिक ट्रैवल में आते हैं तो मैंने आपको जो पीछे जो गाड़ियाँ लगी है फ्रेंड्स आप लोग उसका उनमें भी आ सकते हैं, या आप कार रिजर्व भी कर सकते हैं नेपालगंज से, तो एक्सेट्रा जो भी आपका मन चाहे वो कर सकते हैं। और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हमारे दोस्त विजय सर, विजय सर हमारे फ्रेंड्स को हाय बोल दो। मास्क लगाया भाई उन्होंने, आप थोड़ा सा मास्क नीचे करना कर सकते हैं तो आप थोड़ा मास्क नीचे कर दो। हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वक्त फ्रेंड्स इतना कोहरा है बाहर कुछ दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विंडो से बहुत ज़्यादा कोहरा है, और आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, साइडों में हल्का फुल्का दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम कुलपुर का जो मेन चौराहा है फ्रेंड्स उससे आगे बढ़ चुके हैं, और उससे आगे फ्रेंड्स कम से कम 2 या 3 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। अभी रोड फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन में है तो इस वजह से आप साइडों में मिट्टी के ढेर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कौशिला नगर के अंदर मतलब
प्रवेश कर चुके हैं। एक कौशल्या नगर है फ्रेंड्स, बिल्कुल से 4 किलोमीटर आगे, तो 3 या 4 किलोमीटर हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स कौशल्या नगर। अभी दिख तो नहीं रहा है फ्रेंड्स कुछ कोहरे की वजह से, फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स कौशल्या नगर रोड है, साइडों में घर है, अंदर भी घर होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, चौक जैसा ही छोटा सा, साइडों में घर। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है आज हम सुबह जा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे एंट्री है, चेक पोस्ट है फ्रेंड्स, इसकी साइड में एक छोटा सा दुकान है, मतलब होटल है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम चाय और पानी पी रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड है फ्रेंड, एकदम मजा किया इसको देख सकते फ्रेंड्स आप लोग। ये नज़दीक में यहाँ पे होटल है पीछे, और ये हमारी गाड़ी रही फ्रेंड्स, और इससे जब आप सीधा आगे जाएंगे तो इससे आगे एंट्री होगी। ये फ्रेंड्स यहाँ से आगे चेक पॉइंट है फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे, तो अभी चाय पी के हम इस साइड को जाएंगे, यहाँ के चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम चल पड़े आगे। थोड़ा नज़दीकी था चेक पोस्ट के जहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हुए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग चेक पोस्ट पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गए, पहुँच गए मतलब। यहाँ पे फ्रेंड्स इलीगल चीज़ें, वेपन्स, हथियार, और जो भी पशु पक्षी से रिलेटेड है, किसी को मारना, छेड़छाड़ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको यहाँ पे फ्रेंड्स। वेपन हो गए, हथियार हो गए, या कोई भी इलीगल चीज़ है जो भी है आपके, कुछ जंगली जानवरों के, कोई कुछ भी, यदि आप इलीगल जंगल से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से इलीगल पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, किन किन चीज़, क्या क्या चीज़ें आपके बैग में है, वो चीज़ें ध्यान रखें। इलीगल चीज़ें आप लोग साथ में ना लाएं, यदि आप लोग इलीगल चीज़ें लाते तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये यहाँ पे रूल है फ्रेंड्स, यहाँ पे चेकिंग होगी और सब कुछ होगा, एंट्री होगा। मेरा फ्रेंड्स आ चुका है, देखो तो फ्रेंड्स, जो इस तरह अच्छी से अपनी जो बैरेज है फ्रेंड्स उससे आगे हम चल पड़े हैं। अब हम ये जितना भी एरिया है फ्रेंड्स, ये सारा यदि आप 40 से ज़्यादा ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे जानवर क्रॉस करते हैं रोड, तो उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका टोटल जो भी है जंगल एरिया है, इसमें टोटल आपके बहुत सारे जीव जंतु हैं, जो जंगली जीव जंतु हैं, तो वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, रोड पार कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रात को बाइक में या साइकिल में चलना भी अलाउड नहीं है। तो मतलब वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन है ये, मैक्सिमम आप 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट व्यू दिखा दूंगा, कोहरा ज़्यादा है इस वजह से आपको दिखे ना। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं आप, स्लो चलानी पड़ती है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन है ये, इस वजह से गाड़ी की रफ्तार एकदम स्लो चलानी पड़ती है यहाँ पे। फ्रेंड्स अब हम पहाड़ की ओर चढ़ चुके हैं, ये जो आपका समतल एरिया था, जो मैदानी एरिया था, वहाँ से ऊपर होके अब हम पहाड़ की ओर लग चुके हैं, पहाड़ की ओर चल पड़े हैं, देख सकते हैं आप।
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. So mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Jaise ki friends, abhi hum Babai Pool mein pahunch chuke hain aur hum log abhi यहाँ से आपका सुखी जिला पड़ता है या कर्नाली प्रदेश पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे चेकिंग होती है और यहाँ पे एंट्री भी करनी पड़ती है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग चिंचू पहुँच चुके हैं। चिंचू पहुँच के हम लोग खीर खा रहे हैं अभी यहाँ पे। खीर खा के अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हम इस रास्ते से आए थे और हम लोग जाएंगे इस रास्ते की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग चिंचू से थोड़ा बहुत नाश्ता करके हम लोगों ने दोनों ने खीर खाया। उसके बाद खीर खाने के बाद हम लोग अब फ्रेंड्स चिंचू से आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम जंगल में हैं और जंगल का रास्ता है उस साइड में, देख सकते हैं आप। मेरा फ्रेंड कार चल रहा है अभी, इससे पहले मैं चला रहा था। तो stadium packed, born a rock star in this life, gone live it up on the attack, baby.
that, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like